आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम जुलाई में होने वाले में हैं, ऐसे में आप लोगों को अब तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि 2 महीने का समय आपके पास है। ऐसे में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो एक सीबीटी में एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 50 नंबर का आपको रहने वाला है, सीबीटी में 50 मार्क्स का आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो एक एम्प्लॉयबिलिटी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं, और मैं आप लोगों को 50 में से 50 नंबर की तैयारी कराने जा रहा हूं, जिसमें आज जो है वो सेट दूसरा है हमारा, फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है, सभी ट्रेड के लिए है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड में कॉमन रहती है, तो कोई भी ट्रेड के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम दूसरे सेट पर बात करेंगे, पूरा सेट मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताया, आप जिसमें सुविधा हो उसमें आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगी। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक्स गैस एंड केमिकल टू इन्वायरमेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड, वातावरण में बड़ी मात्रा में हानिकारक धुआं, गैस और अगर कोई रसायन छोड़ रहे हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है। देखिए, जहां हम वातावरण की बात करते हैं और उसमें बड़ी मात्रा में धुआं, गैस और ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं तो वो पॉल्यूशन के कैटेगरी में आता है, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देख लेते हैं क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑफ फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पस, अगर हम खेती और आवास के उद्देश्य से पेड़ की कटाई करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डीफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, ऑप्शन ए जो है वो सही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिलीजिंग केमिकल वेस्ट और प्लास्टिक इनटू द वाटर इज कॉल्ड, जब हम पानी में अगर पदार्थ कोई छोड़ेंगे जैसे रसायन अपशिष्ट या प्लास्टिक तो हम उसको, पानी गंदा होगा इसके, उस लोगों को वाटर पोल्यूशन या फिर पानी प्रदूषण कह सकते हैं, ऑप्शन सी जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं कि हमें जो वैज्ञानिक हैं उनने हमें चेतावनी दी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन जो डी है वो सही है। आप चाहें कोई भी ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, श्याम ने प्लास्टिक केमिकल उर्वरक के इस्तेमाल से बचते हैं, वह फिल इन द ब्लैंक्स का अनुसरण करते हैं, तो देखिए कोई भी अगर केमिकल से या प्लास्टिक से बचता है तो वो ग्रीन लाइफ स्टाइल में आता है, यानी कि वो किसी प्रकार का पोल्यूशन या पोल्यूटेड चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहा है और ना ही पोल्यूशन फैला रहा है, तो ग्रीन लाइफ स्टाइल उसकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद, जो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया है उसमें बड़े बदलाव हो रहे हैं, किसके कारण बदलाव हो रहे हैं, वो हो रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति जिसे बोलते हैं उसके कारण ये बदलाव हो रहे हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी ऑल फिल इन द ब्लैंक्स डेवलपमेंट के कारण, तो वो कौन सा डेवलपमेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन बी है, साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट के कारण मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, आप अपनी स्किल को रेगुलर असेसमेंट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये किसके लिए ग्रोथ होने वाला है, ये आपके कैरियर के लिए ग्रोथ होने वाला है। जैसे आपको बहुत अच्छी सिंगिंग आ रही है तो आप अपनी जो स्किल है उसको बार बार उसको क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों के आगे का कैरियर के लिए अच्छा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो नीतू हैज एक्सलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इट इज इट, नीतू के पास कहानी सुनाने की बहुत अच्छी क्षमता या किस प्रकार का कौशल है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी, लॉजिक स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो स्वराज है वो इंटरनेट आधारित डेटा प्रविष्टि की नौकरी के तलाश में है, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल क्या है, तो देखिए बेसिक कंप्यूटर स्किल उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अगर वो डेटा एंट्री की जॉब कंप्यूटर में खोजना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति
व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। अगर किसी की पर्सनालिटी का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें स्ट्रेंथ आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, मान्यताएं हो सकती हैं कि आप कुछ मान्यताएं हैं आपकी। स्किन कलर आपके जो है पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थिंग्स डैड वन इज़ गुड एट डूइंग आर, जिन चीज़ों को करने में व्यक्ति को अच्छा लगता है वो चीज़ क्या होती, वो होती है एबिलिटीज़। तो एबिलिटीज़ आर द गुड थिंग्स। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन एबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वंस, तो यहाँ पर कुछ अच्छा करने में असमर्थता किसी की फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है वो? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है वीकनेस। अगर किसी चीज़ को आप इन एबिलिटी है, आप वो करने की क्षमता नहीं है, इन एबिलिटी है, तो वो आप लोगों की वीकनेस होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, यह है उसकी फिल इन द ब्लैंक सुधारने में मदद करता है, तो क्या चीज़ सुधारने में मदद करता है ये? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है इंटरेस्ट, उसका जो रुचि है उसको सुधारने में मदद करता है। खाली समय की यहाँ पर बात हो रही है, उसकी मेन स्किल की बात नहीं हो रही है। हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बीजो एक व्यक्ति है, उसमें उसका एमएस एक्सेल अच्छा नहीं है। एमएस एक्सेल जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पीपीटी होता है, पीडीएफ होता है, वैसे ही एक एमएस एक्सेल होता है। एमएस एक्सेल पर अगर बीजो का अच्छा कमांड नहीं है, वो उसे अच्छे तरीके से नहीं जानता है चलाना, वो अपनी मेहनत से अपनी कमजोरियों पर काबू पाना चाह रहा है, तो वो अपनी जो कमजोरी है उसको किस में बदल देगा? वो बदल देगा स्ट्रेंथ में। अगर आपकी कोई कमजोरी है और उसको आप मेहनत करके सीखना चाहते हैं, तो उसको आप अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिस तरह से हम बाहरी वातावरण के साथ बातचीत करते हैं, प्रबंधन करते हैं, निपटाते हैं, वह किस प्रकार के कौशल में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर है बिहेवियर स्किल में। वो आपका जो है बिहेवियर स्किल में आता है, किसी भी प्रॉब्लम के साथ या किसी भी वातावरण के एक्सटर्नल जो वातावरण है उसके साथ डील करना बिहेवियर में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार कुशलता व समय पर कार्य पूर्ण करना, यह किस प्रकार का कौशल है? तो ये है टाइम मैनेजमेंट। अगर कोई पूर्व जो है समय पे कार्य कर देता है और पूरी इफिशेंसी के साथ वर्क कर लेता है, तो वो आता है उसका टाइम मैनेजमेंट। उसने कैसे टाइम को मैनेज किया कि उसका सारी चीज़ें समय पे हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस प्रकार हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन किसी समस्या का समाधान करना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेहाना ने अपने प्रोजेक्ट में एक समस्या का सामना करना पड़ा, वह समस्या को सही दृष्टिकोण के साथ निपटाना चाहती है, उसका किस प्रकार का उदाहरण है? अगर आपके पास कोई समस्या आती है, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं डील, कोई भी ITM प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपके सामने कोई समस्या आ गई, आप उसको समस्या को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सीखना चाहते हैं, तो वो निपटाना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार का उदाहरण है? वो है पॉजिटिव एटीट्यूड का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगर यहाँ पर सही दृष्टिकोण आपका नहीं होता, गलत होता, तो नेगेटिव यहाँ पर एटीट्यूड आंसर हो जाता। हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अल्पन सुबह योगा करती है और वह खुद को मोटिवेट रखने के लिए यूट्यूब क्लास को फॉलो भी करती है, तो यह उसका किस प्रकार का उदाहरण? देखिए वो योगा करती है और उसे लगता है कि डेली हम मोटिवेट हों, अपना वजन कम करना है, स्वास्थ्य सही करना है, तो वो यूट्यूब पे एक क्लास को भी फॉलो किया है, तो ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। ये सेल्फ मोटिवेशन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज द वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का तरीका है, वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज द वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। क्रिटिकल वे जो थिंकिंग है वो किसी भी समस्या को हल करने का तरीका है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दो या दो से अधिक विकल्प में से किसी का चयन करना होता है, तो यह किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो यह होती है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि दो या दो में से अधिक में से किसी को आपको चुनना है सही विकल्प को, तो वो क्या है? जैसे इसमें चार
विकल्प हैं और आपको सही विकल्प में चुनना है कि ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा, तो ये आपकी होगी डिसीजन मेकिंग पावर। तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, इनमें से कौन सा जो है वो डिसीजन मेकिंग का जो है वो पार्ट नहीं है। तो देखिए इसमें परफॉर्मेंस जो है वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें आप लोगों के डिसीजन मेकिंग के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मनु किसी भी समस्या का निर्णय बनाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह के सोचती है फिर उसका निर्णय लेती है, किस प्रकार का उदाहरण है। मनु थिंक अबाउट ए प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है क्रिटिकल थिंकिंग का। उसने क्या किया, किसी समस्या का जो है समाधान किया और उसका निर्णय लेने से पहले उसने क्या किया, उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचा, तो ये उसकी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रेवती ने अपने शहर के बाहर, रेवती को अपने शहर के बाहर जो है नौकरी करने का प्रस्ताव मिला है, उसने पेशेवर की सूची के बाद जो है प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है, तो विपक्ष ने उसे प्रक्रिया का पालन किया। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में आएगा, हिंदी में उतना क्लियर नहीं हो रहा है, मैंने कोशिश की है इसको ट्रांसलेट करने की। रेवती गॉट ए जॉब ऑफर ऑफर आउट ऑफ हर टाउन, मतलब उसको अपने शहर के बाहर एक जॉब ऑफर मिला, उसने डिसाइड किया, उसको अस्वीकार किया, कब किया, जब उसका लिस्ट में फाइनल में नाम आ गया तो उसने उसको अस्वीकार कर दिया, किसी भी कारण से कर दिया होगा कि मुझे दूर नहीं जाना है या अपने शहर में नौकरी करना है या परिवार का कोई कारण हो सकता है, तो उसने किस प्रकार की प्रक्रिया का फॉलो किया। तो इसका सही आंसर है उसने डिसीजन मेकिंग का प्रक्रिया का पालन करा। देखिए उसके पास दो ऑप्शन थे, उसका सिलेक्शन हो गया, उसको जाना है या नहीं जाना है, तो उन दो ऑप्शन में से उसने एक विकल्प चुना कि मुझे नहीं जाना है, तो ये डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो ये 25 क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और साथ में इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस पीडीएफ की लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो सेट वन है, अगर उसका वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने दोस्तों में ये वीडियो फॉरवर्ड करें, साथ में बताएं कि ये चैनल पर फ्री में तैयारी होती है, हिंदी में पीडीएफ फ्री में मिलती है, सारा कुछ फ्री में समझाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, आपकी मेहनत, आपका लाइक, आपका कमेंट हम मुझे और मोटिवेट करेगा और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।